नमस्कार। जिंदगी जीना एक कला है और आप इस कला के एक सिद्धहस्त कलाकार बनकर अपनी जिंदगी को जश्न में तब्दील कर सकते हैं। तो कैसे अपनी जिंदगी को एक जलसा बनाएं, अपनी जिंदगी को कैसे खूबसूरती से प्लान करें, यह आपको बताने के लिए आपके साथ आज भी हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। ज्योतिष गुरु, साप्ताहिक राशिफल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। दरअसल स्वागत आप सबका होना चाहिए क्योंकि ज्योतिष गुरु आप सबके लिए एक सप्ताह का पूरा राशिफल और तमाम सारे टिप्स लेकर हाजिर हैं। तो ये साथ 7 दिन तक हमारा साथ देता रहेगा, इसलिए बहुत ध्यान से पंचांग के साथ शुरुआत करते हैं। आज 23 फरवरी 2020 है, रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। फागुन मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष अमावस्या है रात 9:02 तक, और उसके बाद फागुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। धनिष्ठा नक्षत्र है दोपहर 1:43 तक, और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र है, चंद्रमा चल रहे हैं कुंभ राशि में। आज फागुन अमावस्या है और व्रतोपवास है। तो मेष और वृषभ, सवाल 7 दिन का है, इसलिए इन 7 दिनों को साधने संभालने के लिए ध्यान से सुनिए अपना साप्ताहिक राशिफल और इसके बाद 7 दिन तक क्या करें क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वालों के लिए सब कुछ ठीक होते हुए भी आपके मन में बहुत सारी उथल पुथल। अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास पैदा करने से कभी कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने से अच्छी भली परिस्थितियां भी कमजोर लगनी शुरू हो जाती है, और इसी बात से बचने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कामकाज के प्रति भरोसा बनाए रखें और अपने प्रदर्शन को बहुत ऊंचे स्तर का कर लें। उसी से आपको बड़ी सफलता मिलेगी और तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे। काम को विस्तार देने का अच्छा समय है, उसके बारे में भी आप सही फैसले कर सकते हैं। क्या न करें इस सप्ताह में? किसी प्यार के रिश्ते में हो सकता है आपको अपनों का समर्थन मिल जाए, पर फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी न किसी तरह का तकरार दर्शा रही है। अगर विचारों का मतभेद उभर जाएगा तो किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाना आसान नहीं होगा, इसलिए अपनी इच्छाओं को बहुत ज्यादा बढ़ाकर जल्दबाजी में कोई फैसला करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। वृषभ राशि वाले जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपकी मेहनत तो नजर आ रही है, पर फिर भी लोगों का सहयोग मिलने में कोई ना कोई कमी रह सकती है। अपने नुकसान के प्रति बेपरवाह होते चले जाना भी इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि रोजमर्रा की मुश्किलों को समय रहते ना संभाला जाए तो वो नुकसान जैसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? हालात कई रूप से मददगार है, जिसमें अहम भूमिका इस बात की है कि आपका ज्ञान और आपकी जानकारी आपकी बेहतर होती हुई क्षमताओं को दर्शा रही है। अपने प्रदर्शन में नियमित हो जाने से बड़ा लाभ मिल सकता है, इसलिए भाग्यशाली हालात हैं जिनका फायदा उठा लेना चाहिए। क्या न करें इस सप्ताह में? लोगों की मदद आपको मिली हुई है, पर इस बात को लेकर तसल्ली न कर लें। कोशिश ये करें कि उस मदद के साथ साथ अपने से वरिष्ठ लोगों का दिल भी जीतने की कोशिश कर लें, क्योंकि उनकी ओर से कोई चुनौतियां बनी रहेंगी तो तालमेल बनाना आसान नहीं होगा। तो ये वक्त वरिष्ठ जो लोग हैं उन पर ध्यान देने का है, चाहे वो घर में हो या ऑफिस में। आगे बढ़ेंगे सवाल के साथ। सवाल है निधि सचदेवा का, 4/11/1994, 11:33 रात में इनका जन्म हुआ है सहारनपुर। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जॉब की तलाश कर रही हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। सीए को अच्छा, विदेश में भी जॉब के लिए अप्लाई कर रही हैं, कब तक एक अच्छी जॉब इनको मिलेगी? निधि, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतरदशा चल रही है मंगल की 2020 तक। आप एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है और जॉब की तलाश है कुछ समय से। देखिए, हो सकता है इस समय आपको बहुत अच्छी जॉब ना मिले, लेकिन फिर भी जॉब करनी है और कैरियर की शुरुआत करनी है, क्योंकि जिंदगी का और कैरियर की शुरुआत इसी रूप से की जाती है और बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, तभी जाके कोई भी रास्ता सुखद बन पाता है। आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा और जुलाई अगस्त 2020 में ये कोशिश करनी पड़ेगी कि आपको जॉब मिल जाए और फिर अपनी मेहनत से उसे आप आगे बढ़ा सकें। अभी विदेश का ना सोच के यहीं पे अपना फोकस बनाए रखने की जरूरत है। देखिए, जुलाई अगस्त 2020 में आपको एक जॉब मिल सकती है। हो सकता है आपको वो जॉब बहुत ज्यादा पसंद ना आए और शायद इसी वजह से आप अभी तक जॉब ना ले पाई हो या ना मिल पाई हो, आपकी अपनी मर्जी की। तो कभी भी जिंदगी में एक कदम पीछे खींचना पड़ता है एक लंबी छलांग लगाने के लिए, तो उस छलांग का भी मौका मिलेगा। अभी जो मौका मिल रहा है वही शायद छलांग का रास्ता तैयार करेगा आपका। आगे अगला सवाल है अनुपम का, 7/11/1981 संभल में जन्म हुआ है 9 बजे रात में। ये श्रद्धा जी ने अपने हस्बैंड अनुपम के बारे में पूछा है और सवाल ये है कि वो अच्छी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो उन्हें कब तक मिलेगी और इंडिया में मिलेगी या अब्रॉड वहाँ विदेश में। श्रद्धा जी, आपने अपने पति अनुपम जी के बारे में पूछा है। अनुपम जी की कुंडली है तुला लगन की और वृषभ राशि की। उनकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा भी चल रही है बृहस्पति की 2021 तक।
आपने कहा कि आपके पति जॉब छोड़ना चाह रहे हैं ताकि बेहतर जॉब के रास्ते तलाश लिए जाएं इंडिया में या विदेश में, तो ऐसा मन में एक विचार, लेकिन जॉब छोड़ने के लिए तो ये समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है, बल्कि जॉब को बनाए रखना, उसकी स्थिरता को बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इस समय जॉब छोड़ के अगर कोई भी ऐसा प्रयास करने की कोशिश करेंगे तो करियर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इंस्टेबिलिटी का फैक्टर है इस समय में। इसलिए जॉब में ही बने रहना है, जॉब को बचाए रखना है, जॉब से जुड़े रहना है, अभी कोई ऐसा फेरबदल नहीं करना है जो किसी भी तरह की परेशानी बढ़ाए। तो श्रद्धा, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपने सुना, अच्छी जॉब की तरफ जो सोचा जा रहा है, जिसकी वजह से नौकरी छोड़ने का मन बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना है। ये वक्त नौकरी को बचाने का है, नौकरी को बनाए रखने का है, वरना मुश्किल समय आ सकता है। तो ऐसा मत होने दीजिएगा, उन्हें समझाइएगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क आपकी, तो बात तो चल रही है सप्ताह की, तो 7 दिनों का पूरा लेखा जोखा आपके सामने है, ध्यान से नोट कीजिए। मिथुन राशि वालों की पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसे से जुड़े हुए दबाव बहुत है। बढ़ती हुई जरूरतों की वजह से भी बहुत सारी योजना बनानी पड़ सकती है, पर पैसे से जुड़े फैसले लोगों के भरोसे छोड़ देना भी ठीक नहीं। क्या करना चाहिए सप्ताह में? आपकी सफलता से हर कोई खुश हो जाए ऐसा होना मुश्किल है, इसलिए लोगों की ईर्ष्या भी बनी रह सकती है। अपने साथी सहयोगियों के विचारों को भी समझना होगा, ताकि आप उनकी ओर से बनती हुई मुश्किलों को भी संभाल पाए। क्या न करें सप्ताह में? अपनी कोशिशों को किसी भी कारणवश कम न होने दें। इसलिए ऐसा न सोचें कि जिंदगी आसान है, पर अगर अपनी मेहनत को लगातार बना लिया जाए तो किसी भी मुश्किल से पार पाना कठिन नहीं है। कर्क राशि वाले ही समझ ले कि कामकाज की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने होंगे, पर जिंदगी के सुख और सुकून को बनाए रखने के लिए भी अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। ऐसे में किसी से भी उलझते चले जाने से बचना होगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? लोगों की अच्छाई को समझें और अपने रवैये को बहुत ज्यादा लोगों के प्रति नकारात्मक न बनाते चले जाएं। उस अच्छाई की ओर देखें जो आपके लिए बनी हुई है, जिसमें लोगों का सहयोग भी शामिल है। रोजमर्रा के मुद्दों को लेकर विचारों का मतभेद बना रहना भी स्वाभाविक सी बात है। क्या न करें इस सप्ताह में? किसी भी कारणवश अपने लिए मुश्किलें न बटोरते चले जाएं। बिना जानकारी लिए कोई ऐसी बात भी न कहें जो किसी के दिल को दुखाए और जो किसी को आपसे दूर करती चली जाए। ऐसी कोई भी बात जो किसी का दिल दुखा दे, बोलिएगा ही नहीं, बस इस बात पर नजर रखिएगा। सिंह और कन्या राशि 7 दिनों का यानी साप्ताहिक राशिफल है ये, तो सप्ताह को कैसे समझें, कैसे जानें, इस समस्या का समाधान लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने। नोट कीजिए अपना राशिफल और फिर क्या करें क्या ना करें। सिंह राशि वाले ही समझ लें कि रिश्ते संभले रहे तो जिंदगी में बहुत कुछ संभल जाता है, और काम से लाभ बना रहे तो कामकाज से जुड़ी चुनौतियां भी बुरी नहीं लगती। इसलिए बहुत कुछ ऐसा है जिसे आप संभाल पाने में सक्षम है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? सेहत की ओर ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में आपकी व्यस्तता नजर आ रही, इसके बावजूद आपको सेहत की ओर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या ना करें सप्ताह में? लोगों से जुड़े जरूर और लोगों की मदद भी करें, पर बहुत ज्यादा भावुकता बढ़ाकर आप अपना नुकसान न करते चले जाएं। कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को समझें जरूर, पर अपनी कोशिशों को कम करके उन चुनौतियों को बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि निजी जीवन के मुद्दों को संभाले रखने के लिए आपको लोगों पर भरोसा तो करना पड़ेगा और अपनी कोशिश भी बनाए रखनी होगी। इसी अच्छाई के चलते आपकी जिंदगी की खुशियां बनी रहें, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए सप्ताह में? किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने के प्रयास में आपका मन परेशान है और आपको लगता है कि लोगों को समझाना या खुश करना कठिन होता चला जा रहा है। फिर भी अपने हालात को संभाले रखने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा और किसी के खिलाफ होते चले जाने से भी बचना होगा। क्या न करें सप्ताह में? लोगों को खुश करने के प्रयास में आप अपना कहीं नुकसान न करते चले जाएं। इसलिए ऐसा न सोचें कि आप लोगों से अपनी बात मनवा लेंगे या लोगों को सुधार लेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना नजरिया हो सकता है। ऐसे में अपनी ही बात कहते चले जाना या बार बार अपनी बात को बदलते चले जाना ठीक नहीं होता है। अपने अपने नजरिए लोगों के होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप अपना नजरिया उनके ऊपर लादने की कोशिश करें, उन्हें भी समझें, उन्हें भी सुने आप। सवाल अब लेंगे हम अंजलि चौहान का, 2/10/1998, 4:55, दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है, धनबाद झारखंड। जानना चाहती हैं कब तक इनकी शादी होगी।
आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और मकर राशि की, आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतरदशा चल रही है मंगल की सितंबर 2020 तक। आपने एक ही सवाल पूछा है कि आपकी शादी कब होगी। आपने लिखा तो नहीं है कि कैरियर के बारे में, लेकिन आपकी कुंडली से ऐसा लगता है कि कैरियर की दिशा में अभी भी बहुत मेहनत करके उसे बनाने की जरूरत है, क्योंकि 21 वर्ष की सिर्फ आपकी आयु है अभी, और पहले वो प्रयास कर लेना चाहिए, अपने कैरियर को मजबूत कर लेना चाहिए, फिर शादी के बारे में सोचना चाहिए। फिर भी अगर आप जल्दी शादी करना चाह रहे हैं, जैसा कि आपने लिखा है, ऐसा लगता है आपकी बात से, तो अक्टूबर नवंबर 2020 में आप ये कोशिश कर सकते हैं। देखिए, शादी तो हो सकती है अक्टूबर नवंबर 2020 में, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए ये वक्त करियर का है। करियर के बारे में सोचें, अपने करियर के बारे में गंभीर हो जाएं, ये आपसे आपका जो वक्त है वो चाहता है। पूजा चौहान का सवाल है, 18 नवंबर 1991, 3:15 अलवर में इनका जन्म हुआ है, 3:15 AM। जॉब कब तक मिलेगी जिसकी वो तैयारी कर रही है? पूजा आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और मीन राशि की, आपकी महादशा चल रही है जी केतु की और अंतरदशा चल रही है शुक्र की दिसंबर 2020 तक। जॉब पाने की तैयारी कर रहे हैं, पर अभी आपकी कोशिशों में, आपकी मेहनत में, आपके फोकस में बहुत सारी कमी है, उसे सुधारा जा सकता है। और आपकी कुंडली दर्शाती है कि जुलाई 2020 के बाद उस तैयारी में थोड़ी सी और सुधार होगा और आप के अंदर भरोसा जगेगा कि आप जॉब के रास्ते पर कुछ बेहतर कर सकें। और इस वजह से मैं ये कहूँगा कि दिसंबर 2020 या उसके तुरंत बाद आपको जॉब लेने की कोशिश करनी है, और उस समय जो भी जॉब मिले उसे लेके अपने करियर की शुरुआत करनी है। ये आपके लिए एक रास्ता है जो आपकी कुंडली दर्शा रही है, और इसी से आप अपना करियर बना सकते हैं। तो दिसंबर 2020 के बाद जो जॉब आपको मिले वो आप जरूर ले लें, ये ज्योतिष गुरु की सलाह है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं हम, और अब बात तुला और वृश्चिक आपकी कर लेते हैं। तो 7 दिनों को समझना है, जानना है, तो नोट करना है कि 7 दिन तक क्या करें क्या ना करें। तुला राशि वाले कोशिश करेंगे तभी बात बनेगी, और आपकी कोशिशें अच्छी हैं, बशर्ते आप अपनी लगन को और अपने भरोसे को जगाए रखें। इसके साथ एक अहम बात यह भी है कि अपनी विनम्रता भी बनाए रखें, ताकि आपकी ओर से किया गया कोई भी प्रयास लोगों को नजर भी आए। क्या करना चाहिए सप्ताह में? जिंदगी की खुशियां बनाए रखना बहुत जरूरी है, और आपके लिए हालात ही ऐसे बने हुए हैं जो आपकी जिंदगी के सुख और सुकून को बनाए रखें। अपने व्यवहार में थोड़ा सा लचीलापन ले आएंगे तो जिंदगी की खुशियों को बनाए रखना और भी आसान हो जाएगा। क्या न करें सप्ताह में? काम से लाभ बना हुआ है, पर लाभ को व्यर्थ में बिखेरते ना चले जाएं। इसलिए कोई ऐसा फैसला ना करें जिसमें आपकी सूझबूझ की या आपकी जानकारी की कोई कमी है। वृश्चिक राशि वाले कई तरह के अच्छे विकल्प खोज रहे हैं, जिसके चलते आपके हालात और बेहतर होते चले जाएं। अपनी समृद्धि को बनाए रखने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं बनानी पड़ती हैं। क्या करना चाहिए सप्ताह में? आपने जिंदगी में बहुत मेहनत की और उसी का नतीजा है कि आज आपको उस मेहनत का फल मिल रहा है। अभी का समय भी आपसे बहुत कुछ करवा रहा है, जिसके लिए आपको लगातार जूझने की जरूरत पड़ सकती है। इस बात के पीछे छुपा हुआ आशीर्वाद समझें जो आपको अपनों से जोड़े हुए हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? कामकाज की स्थिरता बनी हुई है और इस बात में भी किसी तरह की कमी ना निकाले। रोजमर्रा की चुनौतियों की वजह से परेशान होते चले जाना भी ठीक नहीं। छोटी मोटी चुनौतियां होती हैं रोजमर्रा की, उनको लेकर परेशान नहीं होना है आपको। चुनौतियां, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, अवसर होती हैं, उन्हें अवसर की तरह से लें। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं धनु और मकर आपकी, तो क्या कहते हैं आपसे ज्योतिष गुरु आपके अगले 7 दिनों के बारे में, आइए सुनते हैं। राशि वालों का भरोसा जगा हुआ है, पर उस भरोसे की वजह से आपसे गलती भी हो सकती है। रिश्तों के प्रति आपका झुकाव अच्छा है, पर अपनी इच्छाओं को जरूरत से ज्यादा बढ़ाते चले जाने से किसी प्यार के रिश्ते को संभालना कठिन भी हो सकता है। इसलिए बहुत सारी चीजों को एक साथ समझने की जरूरत है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? बहुत सारी विनम्रता अपनानी होगी और अपनी बात कहते हुए लोगों के विचारों को समझने की भी कोशिश करनी होगी। अपनी बात इस रूप से कहें जो लोगों को भा जाए। क्या ना करें इस सप्ताह में? हालात अपने आप से किसी के लिए सुखद नहीं होते, पर उन्हें सुखद बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये समय इस रूप से आपकी अच्छाई को उभार रहा है कि आप किसी भी तरह के नए विकल्प को समझ सकें और उस ओर अपने कदम बढ़ा सकें। सिर्फ तकदीर के भरोसे चलते चले जाना भी पर्याप्त नहीं है। मकर राशि वाले ये समझ लें कि खर्चों का दूसरा नाम नुकसान भी होता है। या तो आपकी अपनी गलतियों से बनता है नुकसान, या कोई आपका गलत फायदा उठा सकता है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि संभल कर चलने की जरूरत है।
रिश्तों को भी भलीभांति समझें ताकि फासले बनाते चले जाने से भी बचा जा सके। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपका भरोसा भी जगा हुआ है और आपकी अच्छाई भी बनी हुई है, यही वजह है कि कई तरह के अच्छे विकल्प आपके सामने हो सकते हैं। पर उस नुकसान से बचते हुए ही कोई भविष्य से जुड़ी योजना बनानी होगी। अगर ऐसा करते हुए थोड़ा सा समय लग जाए तो भी इस बात को कबूल कर लेना ही बेहतर होगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? अगर कोई आपकी जिंदगी में रुकावट पैदा कर रहा है तो उससे बहस ना करें। संवाद बनाए रखने से बहुत सारी चीजें संभल जाती हैं और अपनी विनम्रता बनाए रखने से लोगों का दिल जीता भी जा सकता है। इसलिए व्यर्थ में किसी भी बात को बिगड़ने ना दें। कुंभ और मीन राशि, साप्ताहिक राशिफल है ये। तो ये जो बात होने जा रही है आपकी, ये अगले 7 दिनों के लिए है। तो ध्यान से अपने 7 दिनों को देखिए, फिर प्लान कीजिए। कुंभ राशि वालों की काम के प्रति लगन और मेहनत बनी रहेगी तो उससे बड़ा लाभ जरूर मिलेगा और उस लाभ की वजह से आपके मन में जो हलचल है उसे भी संभालने में मदद मिल जाएगी। जो भी काम कर रहे हैं उसमें भरोसा बनाए रखना होगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? हो सकता है लोग आपकी बात को पूरी तरह से समझ ना पाए और उसमें कहीं ना कहीं आपकी भी गलती नजर आ सकती है। एक और तो लोग आपकी मदद करना चाह रहे हैं, दूसरी ओर उन्हीं लोगों से तकरार भी पैदा हो सकता है, इसलिए भी सतर्क रहने की जरूरत है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अगर आपके प्रति लोगों की कोई अच्छाई बन रही है तो उसे किसी कमी की नजर से ना देखें, पर ऐसा करते हुए आप अपने कदम पीछे हटाकर लोगों से फासले भी ना बनाते चले जाएं। रिश्तों को समझने और संवारने का मौका भी रोज रोज नहीं मिलता। अपने व्यवहार में किसी भी तरह की कड़वाहट लाते चले जाना भी ठीक नहीं है। मीन राशि वालों के लिए हालात कई तरह से मददगार। कामकाज को बढ़ावा देने के कई तरह के जरिए भी बने हुए हैं, फिर भी रिश्तों को संभालना मुश्किल होता चला जा रहा है क्योंकि आप अपनों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। क्या करना चाहिए सप्ताह में? लाभ और कामकाज से जुड़ी चुनौतियां अपनी जगह हैं, पर आपके दोस्त आपकी हर तरह से सहायता करना चाह रहे हैं। रिश्तों में तकरार की स्थिति पैदा हो सकती है जिसे थोड़ा सा ध्यान से संभालना होगा। कोई प्यार का रिश्ता भी आपकी मानसिक उथल पुथल की वजह से मुश्किल भरे दौर से गुजर रहा है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने व्यवहार को इतना सख्त ना बनाए कि लोगों को आपकी बात समझ ना आए और लोग आपसे फासले बनाते चले जाएं। वजह कोई भी क्यों ना हो, पर लोगों को इस समय नाराज करते चले जाना ठीक नहीं होगा। किसी भी सूरत में किसी को भी नाराज नहीं करना है आपको पूरे सप्ताह। सवाल लेते हैं सौरव नंदी का। 16/11/1982, 4:45 शाम को इनका जन्म हुआ है, जमशेदपुर। 6 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन कोई ग्रोथ नहीं है, आगे क्या करें? चेंज करना चाहते हैं। फ्यूचर ग्रोथ कब तक है और चेंज, अच्छा चेंज कब तक? सौरव, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतरदशा भी चल रही है शुक्र की, मार्च 2020 तक। 6 साल से एक जॉब में है, उसमें ना कोई ग्रोथ है ना कोई इंक्रीमेंट है इत्यादि आपने कहा और इस बात को लेकर परेशान है, इस वजह से आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं। देखिए कुंडली का इशारा क्या है पहले उसे समझ लेते हैं, फिर उससे आपको गाइडेंस मिल जाएगी। आने वाले 2 महीने में आपके कैरियर में सुधार हो रहा है, वो जहाँ पर हैं वहाँ पे भी हो सकता है और किसी ना किसी विकल्प के रूप में भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए, थोड़ा सा भरोसा बनाते हुए उस अच्छे समय का इंतज़ार कर लें ताकि आपके कैरियर में सुधार हो जाए। आगे चल के 2023 में आपके कैरियर में और बेहतर सुधार हो रहा है, तो थोड़ी सी देखिए पेशेंस तो रखनी ही पड़ेगी और थोड़ा सा भरोसा तो करना ही पड़ेगा। तो अगले 2 महीने में तो आपके करियर में बहुत अच्छा सुधार आ रहा है, हो सकता है यहीं पर आ रहा हो, तो चेंज की जरूरत क्या है? तो अच्छा समय आ रहा है, उसके बाद आगे तो बहुत बढ़िया समय है आपके लिए। तो जो मुश्किल समय था वो बीतने को है, घबराहट इसीलिए चरम पर है, निकाल फेंकिए, अच्छा समय आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम और अब बात कर लेते हैं जैकपॉट की। ज्योतिष गुरु तो किसके नाम? मिथुन राशि वालों के लिए खास उपाय है जी कि आने वाले 4 मंगलवार को किसी भी मंदिर में जाएं और हनुमान जी की मूर्ति के आगे माथा टेकें। बहुत कुछ तो आपके लिए संभला हुआ है पर अगर कहीं कोई कमी है तो उसे भी इस आसान से उपाय से संभालने की कोशिश की जा सकती है। तो फिलहाल दीजिए इजाजत और याद रखिए कि जिंदगी एक जश्न है और ये जश्न आप खुद अपने लिए तैयार करते हैं अपने कर्मों से, अपनी सोच से, और आपकी सोच को सही दिशा देने का काम हम यूं ही करते रहेंगे ज्योतिष गुरु की मदद से। अगर कोई मुश्किल है भेज दीजिए अपना सवाल आपके तारे @aajtak.com पर। वेबसाइट है www.aajtak.in/tare।